आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शौंगढ़ में कल से ही मिडिल स्कूल में शौर्य यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही थी। आज दोपहर बाद शौंगढ़ के मिडिल स्कूल से हजारों युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निकाली गई शौर्य यात्रा। इस शौर्य यात्रा में हजारों की तादाद में युवा दिखाई दिए और शौंगढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह शौर्य यात्रा वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची और इस शौर्य यात्रा का समापन हुआ। हजारों की तादाद में शौर्य यात्रा में दिखे युवा एवं जगह जगह हुआ शौर्य यात्रा का स्वागत। वही आपको बता दें कि शौंगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे एवं उनके साथ मंडल अध्यक्ष साथ ही कई युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया फूलों की वर्षा से स्वागत। खबर आपकी राजस्थान से, श्रीपाल सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। आज ये आयोजन ग्राम विकास बजरंग दल का शौर्य संचलन, हिंदुओं को जो आज हमारे पूरे नगर में भ्रमण हुआ है शौर्य संचलन के माध्यम से, 1992 में बाबरी विध्वंस करने के बाद में जो हिंदुओं का शौर्य है वो 6 दिसंबर 1992 में की शुरुआत हुई, जो उसको आज दिन तक हम शौर्य रूप में, शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बजरंग दल का शौर्य संचलन और ग्राम समिति सम्मेलन था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय और विभाग के अधिकारी थे और 1992 में 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन जब बाबरी विध्वंस हुआ, हिंदुओं के माथे का जो कलंक था उसे मिटाने की खुशी में इस दिवस को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार गीता जयंती 14 दिसंबर को थी, लेकिन प्रांत से निर्देश होने पर एक महीने के अंदर ये कार्यक्रम करने थे, तो आज शामगढ़ प्रखंड का बजरंग दल का शौर्य संचलन था जो पूर्ण हो चुका है। क्या नाम है आपका? खुमान सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक।